नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा पेपर है तो उसमें हम कैसे चीज़ों को करेंगे और कैसे हम इसका में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो सिलेक्शन ही है। चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें, अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपने कमी करी है। ठीक है, तो उस कमी को ही करेक्ट करने के लिए मैं आ गया हूँ आपके पास। फर्स्ट पार्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है आपको, या पूरे डिडर प्लस बी पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ दे रखे हैं आपके सब्जेक्ट्स, टाइम दे रखा है 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का आपका फर्स्ट पार्ट आएगा और ये सेकंड पार्ट है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 प्लस 100 200। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखना क्या है कि 1/4 है आपकी नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग में लोगों को लगता है कि इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 क्वेश्चन करके आऊँगा, एक तो सही हो ही जाएगा। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि एक क्वेश्चन जो गलत होगा उसमें 1 मार्क्स तो कटेगा ही, प्लस 0.25 और कटेंगे। ठीक है, ये मार्क्स कटेंगे ना कि ये टोटल, ये कटेंगे आपके। तो ये ध्यान में रखें, लोगों को बड़े हल्के में लेते हैं नेगेटिव मार्किंग को। अब चलते हैं कि क्या क्या है। तो जनरल अवेयरनेस है आपकी 20 मार्क्स की, मतलब कि सामान्य ज्ञान। फिर आ जाता है आपका रीजनिंग 20 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, इंग्लिश मतलब कि नाउंस, पैसिव वॉइस, क्वेश्चन टैग हो गए आपके, ये सब टेंस हो गए, ये सब आपको चीज़ें आनी चाहिए, नरेशन हो गया। फिर आपका हिंदी, और फिर आता आपका फिजिकल एजुकेशन जो मैं आपको पढ़ाई देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आपको इन चीज़ों के मेरे से नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर। ठीक है, नोट्स एकदम प्योर मिलेंगे, मेरे खुद के नोट्स हैं 7065620085। आप में से ज़्यादातर लोग तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने ले भी लिए हैं नोट्स। तो पढ़ेंगे कैसे हम ये भी बता देता हूँ मैं। नोट्स तो सभी दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ना भी ज़रूरी है। तो और पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जनरल के लिए 40%, मतलब कि पहले और दूसरे पेपर दोनों में 40% इसमें लाने हैं अलग से, और 40% इसमें लाने हैं। देखो वैसे तो ये चीज़ें बाद में हट जाती हैं क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में इतने बच्चे पढ़ते नहीं हैं, स्पेशली फर्स्ट पेपर को पढ़ते नहीं हैं, तो फर्स्ट पेपर में सभी का डब्बा गोल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये जो क्राइटेरिया है इसको फेल कर देती है संस्था बाद में। लेकिन बाई चांस अगर इस बार ये फेल नहीं हुआ, अगर कुछ बच्चे भी अच्छे निकल जाते हैं जो फर्स्ट पेपर को क्लियर कर देते हैं, तो जितने भी बच्चे रह जाएंगे वो फेल हो जाएंगे, पहले बता दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वो तो बाद में कह देंगे कि हमने तो लिख के दिया था आपको, आपने नहीं पढ़ा तो हमारी हेडेक नहीं है। ठीक है, तो ये मार्क्स दे रखे हैं कि 40% तो लाने ही लाने हैं जनरल को, 35% OBC को दिल्ली के, और SC ST PH PWD 30%। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट ये बात यही है कि 40% फर्स्ट पेपर में लाने हैं आपको। हेडेक ये है ज़्यादा, ना कि फिजिकल एजुकेशन और सिलेक्शन, पहली हेडेक ये लीजिए आप। इसके बाद आपकी ये सब चीज़ें दे रखी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पता ही आपको। अब चलते हैं सिलेबस की तरफ, तो सिलेबस देख लेते हैं। DSSB TGT PGT PET 2020 टीचर सिलेबस फॉर सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। तो सेक्शन ए जो आता है हमारा, उसमें आता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आती है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब कि आपका इतिहास। ठीक है, इतिहास आपका मॉडर्न भी हो सकता है, मेडिवल भी हो सकता है, और प्री मेडिवल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि हरप्पा सिविलाइजेशन भी पूछ सकता है आपका, हरप्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें वैदिक काल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, शाहजहां के बारे में पूछ सकता है, अकबर के बारे में पूछ सकता है, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत चीज़ें हैं कि इन्होंने कौन सा सिक्का चलाया था, कौन सा टैक्स लिया था, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आता है आपका पॉलिटिक्स। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे ज़रूर करके जाना, मेरे नोट्स में बहुत अच्छा मिलेगा ये आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिन्होंने लिया है उन्हें पता ही है। तो इसमें संविधान होता क्या है, संविधान एक हमारा रूल्स बना रखा है जिसके हिसाब से हमारी कंट्री चलती है, जिस भी कंट्री में संविधान होता है वो उसी हिसाब से चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होते हैं बहुत सारे स्केड्यूल्स, मतलब कि अनुसूची, जिनके हिसाब से हमारी चीज़ें तय हैं। जैसे कि मतलब अगर हम सेकंड शेड्यूल की बात करें, सेकंड शेड्यूल, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है कि हम कितनी सैलरी देंगे
मेन पोस्ट्स को, मतलब कि प्रेसिडेंट को, जजेस को, कंट्रोलर को, ऑडिटर जनरल को, जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल पोस्ट्स हैं, उनको कितनी सैलरी देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो फिफ्थ और सिक्स्थ होता है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ जो होता है वो हमारा आदिवासियों के राइट्स से रिलेटेड होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 12 हैं। लैंग्वेज का भी होता है, लैंग्वेज का हमारा 8th शेड्यूल होता है, जिस हमारा लैंग्वेज के बारे में है। जैसे कि अभी अमेंडमेंट आया था, एक 92 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब कि एक बदलाव आता है, ठीक है, संविधान में, तो इसके द्वारा 4 लैंग्वेज और जोड़ दी गई थी। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि कौन सी वो 4 लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, सेंथली है, तो ये चीज़ ही हैं। और ये किसके टाइम में आया था ये अमेंडमेंट, तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। तो ऐसे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे 61 अमेंडमेंट था, ठीक है, कब आया था, 1989 में आया था। तो इससे क्या हुआ था, जो पहले हम वोटिंग करते थे 21 साल वाले, 21 हमारी वोटिंग एज थी, इससे पहले हम वोट नहीं कर सकते थे, तो उसको चेंज करके 18 कर दिया। इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। फिर आता है आपका खेल, स्पोर्ट्स, मतलब कि फिर आता है आर्ट एंड कल्चर, मतलब कि कहाँ का डांस कहाँ का है, ये सब चीज़ें। फिर ज्योग्राफी, मतलब कि आपकी, आपको अपने देश की मिट्टी और इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, कितनी स्टेट हमारी उससे जुड़ती हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपका जैसे कंट्री है, तो यहाँ का पॉइंट कौन सा है, तो इसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कन्याकुमारी पॉइंट होता है। ठीक है, ऐसे पता होने चाहिए ये पॉइंट आपको लास्ट। फिर आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मेन होता है आपका बैंक से रिलेटेड, बैंक्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि अभी एक बात चल रही है कि CRR रेशियो कम कर दिया गया है बैंक्स में। CRR क्या होता है, तो आपका क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कि एक मिनिमम अमाउंट होता है, कम से कम पैसा बैंक में रखना ही रखना है, ये RBI की तरफ से रूल्स होते हैं बाकी बैंक्स को, मतलब कि SBI, कनाडा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, इन सब को ये रखना ही पड़ेगा। तो इस टाइम महामारी फैल रखी है, तो इसको थोड़ा कम कर दिया गया है, तो ऐसे पॉइंट्स अक्सर पूछे जाते हैं। फिर आती है आपकी एवरीडे लाइफ कह लो, एवरीडे साइंस कह लो, मतलब कि जैसे आसमान नीला क्यों होता है, ट्रेन की या किसी भी लाइट में हम रेड लाइट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, कन्वेक्स मिरर क्यों कहाँ यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें रहती हैं। फिर आती है नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब UNO हो गई, WHO हो गई, ठीक है, IBF हो गई, इंटरनेशनल बैंक फेडरेशन, ठीक है, ऐसी चीज़ें रहती हैं। फिर आपकी रीजनिंग आ जाती है, रीजनिंग में कोई हेडेक वाली बात नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं है, बस आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए रीजनिंग के लिए, थोड़े नोट्स अच्छे मिल जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन मेकिंग होती है, जजमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज़, एक न्यूमेरिकल, या आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन आपको मेरे जो नोट्स हैं मैथ्स के उसमें मिल जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सबसे ध्यान से पढ़ना है आपको परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नुकसान और कितना प्रॉफिट हुआ आपको, वो क्वेश्चंस जो आते हैं, डिस्काउंट, कितनी छूट दी तो कितने का फ़ायदा हुआ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स। तो ये तो ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे आपको मेरे नोट्स में, हिंदी में भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मेरे नंबर पे। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में देखो मैं आपको साफ बात बताऊँ, इंग्लिश काफ़ी फ़ायदेदार हो सकता है, अगर आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं इस पेपर के लिए, तो इंग्लिश को ज़रूर करें, लोग बचते हैं इंग्लिश से, इंग्लिश में आपको मार्क्स गेन करने हैं, और कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा। एक तो आपको ग्रामर करनी है, ग्रामर्स में क्या है, तो क्या है, तो आपके रूल्स हैं, तो वो रूल्स आपको रटने हैं, पैसिव वॉइस के, टेंस के, नरेशन के, नाउन के, वो रूल्स हैं सारे रट लेंगे आप। इसके बाद क्या है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको रटवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी हेडेक है। इसके बाद idiom phrases रटवाने हैं, मेरी हेडेक है, मैं लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पेलिंग भी आपको, जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे स्पेलिंग भी आ जाएगी आपको, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कुछ करना पड़ेगा। हिंदी है आपके सामने, हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं इसमें कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ना मैं आपको नोट्स दे पाऊँगा। फिर आता है आपका 100 नंबर का फिजिकल एजुकेशन का पेपर, जिसकी तैयारी मैं आपको फ्री में ही करवाता हूँ हमेशा वीडियोज़ डाल के। तो दोस्तों अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, तो आपको नंबर इसे डायरी कर लेना, 7065-62085, ठीक है, ये मेरा नंबर है, अनिल चौधरी मेरा नाम है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे
कनेक्ट कर सकते हैं। आपके देख ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।